चलिए आगे बढ़ते हुए बात अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करेंगे, जो कि एक बार फिर से मध्य प्रदेश आने वाले हैं। 20 दिन के अंदर पीएम मोदी का ये पांचवा एमपी दौरा है। भोपाल में एक बड़ा रोड शो पहली बार उनका होने जा रहा है। यहां से बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा, जिनके समर्थन में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करेंगे। आज और कल इस रोड शो की रिहर्सल की जानी है। आज से 5 घंटे ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा, तो ये खबर आप भी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक ट्रैफिक रूट डाइवर्ट रहेगा। माता मंदिर से रोशनपुरा चौराहे तक ट्रैफिक परिवर्तित रहेगा। लिली टॉकी चौराहा तक भी ट्रैफिक को प्रतिबंधित किया जाएगा। 1.5 किलोमीटर का पीएम मोदी का रोड शो, लेकिन रिहर्सल आज और कल होगी, तो इस दौरान दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाएगा। 25 IPS और 2000 पुलिसकर्मी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। ड्रोन के जरिए पीएम मोदी की निगरानी होगी और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। लेकिन ये पहला रोड शो, इसके पहले आपको याद होगा जबलपुर में पीएम मोदी ने रोड शो किया था आशीष दुबे के समर्थन में, और अब आलोक शर्मा भोपाल से प्रत्याशी, जिनके समर्थन में पीएम मोदी पहला रोड शो करने जा रहे हैं। तो अभी तक की बात अगर करें इस लोकसभा चुनाव की, तो दूसरा रोड शो प्रधानमंत्री का होने जा रहा है। भोपाल में आज रोड शो पीएम मोदी करेंगे। तो बता दें आपको कि दूसरे चरण के प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी ने एक मेगा प्लान तैयार करके रखा है, और वो मेगा प्लान क्या है, पीएम मोदी, जो कि 3 लोकसभा क्षेत्रों को लगातार संबोधित करेंगे। 3 लोकसभा क्षेत्रों में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम रहेंगे। भोपाल में रोड शो होगा, सागर और हरदा में उनकी बड़ी जनसभाएं होने जा रही हैं। इन 3 कार्यक्रमों के जरिए पूरे प्रदेश को प्रधानमंत्री साधेंगे और एक बार फिर एमपी के दिल में मोदी, मोदी के दिल में एमपी का संदेश लेकर वो मध्य प्रदेश आने वाले हैं। दलित और आदिवासियों पर खास फोकस रहेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव के समय आदिवासियों से जितनी उम्मीद थी उतना साथ इनका नहीं मिला। बीजेपी और कांग्रेस में यहां आदिवासी वोट बैंक के हिसाब से कड़ी टक्कर नजर आई, लेकिन इसके साथ ही दलितों को भी साधने का प्रयास होगा। तो लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में पीएम एक ही दिन में करीब 3 लोकसभाओं में पहुंचेंगे, और बता दें आपको कि 24 अप्रैल को सागर पहुंचेंगे। सागर के बाद पीएम मोदी का बैतूल का भी दौरा है। यहां भी बीजेपी प्रत्याशी दुर्गादास उइके के समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, और शाम करीब 7:30 से 8 बजे के बीच का कार्यक्रम भोपाल में रोड शो का बताया जा रहा है। अब यह महत्वपूर्ण है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विधानसभा चुनाव में एक संदेश दिया गया था, जो एक स्लोगन दिया गया था, एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, उसका क्या प्रभाव हुआ, व्यापक असर वो हम सबने देखा। बीजेपी ने एक सुनामी लेकर आई यहां पर, एक बड़े वोट बैंक से जीत दर्ज की। बड़े मात्रा में बीजेपी की झोली में सीटें एमपी से गई थी। अब ऐसे में मायने जरा समझ लीजिए, मायने क्या है मोदी के मन में एमपी के, जल्दी से वो आपको बता देते हैं। भोपाल में रोड शो, सागर और हरदा, यहां बैतूल में जनसभाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने जा रही है। आदिवासी और इसके साथ ही दलित वर्ग को साधने का प्रयास। तो देखिए एमपी में सभी मुद्दों पर मोदी फैक्टर सबसे भारी नजर आ रहा है। दूसरे चरण की 6 सीटें जिस पर बीजेपी की नजरें हैं। मायने आपको बता दें कि भोपाल से नर्मदापुरम की सीट को साधा जाएगा, जहां दूसरे चरण में चुनाव होना है। सागर से टीकमगढ़ और दमोह में माहौल बनाने का प्रयास होगा। हितग्राहियों को प्रभावित करने पर भी फोकस किया जाएगा एक विशाल जनसभा के जरिए। तो संत रविदास मंदिर का निर्माण का भूमि पूजन यहां किया गया था। सागर की अगर बात की जाए तो यहां से दलितों को भी साधने का प्रयास। सागर, टीकमगढ़, दमोह और खजुराहो में प्रभाव जाएगा। आदिवासी वोटों को साधने की कोशिश भी इन सीटों के जरिए की जाएगी। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि हरदा से क्या मैसेज, आदिवासी वोटों को साधने का प्रयास होगा। साथ ही कांग्रेस के कब्जे वाला जो विधानसभा क्षेत्र है ये हरदा, यहां पर भी वोट बैंक में सेंध लगाने का प्रयास पीएम मोदी अपने संबोधन से, अपने भाषण से करने का प्रयास करेंगे। हितग्राहियों को याद दिलाएंगे कि बीजेपी ने आखिर क्या किया है उनके लिए या हर वर्ग के लिए। योजनाओं का जो लाभ मिल रहा है उन्हें, वो केंद्र सरकार की ही है। आदिवासी वोटों को साधने की कोशिश भी यहां से होगी। तो बुंदेलखंड के दलित वर्ग को भी एक बड़ा संदेश दिया जाएगा। साथ ही वर्तमान में जो 100 करोड़ की लागत से संत रविदास मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, 8 महीने पहले ही इसका भूमि पूजन हुआ और यहां से दलितों को साधने का प्रयास। भोपाल अगर वो पहुंचेंगे, रोड शो जब उनका होगा, तो देखिए कितना महत्वपूर्ण है, एमपी के दिल में मोदी, मोदी के दिल में एमपी का संदेश इस भोपाल सीट से
दिया जाएगा पूरे प्रदेश के लिए, ना केवल भोपाल के लिए, आसपास की सीटों के लिए नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए। होशंगाबाद, विदिशा और राजगढ़ की सीटों पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ने वाला है। हालांकि ये सीटें बीजेपी के कब्जे वाली सीटें हैं, बाकी के तीन चरणों के लिए भी इस दूसरे चरण से और इस जनसभा से एक बड़ा मैसेज, एक बड़ा संदेश देने की कोशिश होगी। तो जिस जिले में सभी सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है, हरदा, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक विशाल जनसभा होने जा रही है। तो काफी महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री का ये दौरा, और समझने की कोशिश जरा हम कर लेते हैं। हमारे साथ न्यूज एट शरद द्विवेदी जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, 20 दिन के अंदर पांचवी बार पीएम मोदी मध्य प्रदेश आ रहे हैं। एमपी के मन में मोदी का जो स्लोगन विधानसभा चुनाव के समय दिया गया था, उसका व्यापक असर हमने देखा, जहां बीजेपी के लिए एक सुनामी चल गई पूरे मध्य प्रदेश में। अब लोकसभा सीटों के लिहाज से जब प्रधानमंत्री लगातार मध्य प्रदेश के दौरे कर रहे हैं, दलित वोट बैंक, आदिवासी वोट बैंक को साधने का प्रयास कैसे देखा जाए सर इसे? देखिए, प्रधानमंत्री जया जहां भी जिस भी जगह जाते हैं, एक तो उनकी लोकप्रियता निर्विवाद रूप से इतनी अधिक है कि वो न सिर्फ उस क्षेत्र में एक लहर पार्टी के लिए पैदा करने में कामयाब होते हैं, और जैसा हम इस खबर में दिखा रहे हैं कि आसपास के जो और लोकसभा क्षेत्र हैं उसका प्रभाव सीधे उन पर भी आता है। दमोह जब प्रधानमंत्री आए थे चंद दिनों पहले, तो उन्होंने खजुराहो की बात वहां से की थी, और मंच पर मौजूद खजुराहो से चुनाव के प्रत्याशी जो पिछली बार भी जीते, विष्णुदत्त शर्मा जी का भी उन्होंने बड़े अलग अंदाज में जिक्र किया था कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष दुबले पतले जरूर हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में इन्होंने कमाल किया। अब इसी तरह सागर से वो बुंदेलखंड की लोकसभा सीटों को वो साधेंगे, चाहे बात दमोह की हो, क्योंकि दमोह में फाइट अच्छी बताई जा रही है, खजुराहो तो लगभग एक तरफा लड़ाई है, वहां चिंता नहीं है, लेकिन टीकमगढ़ है, इन तमाम सीटों को वो साधेंगे। भोपाल से लगी हुई जो सीट है, राजगढ़, जहां से दिग्विजय सिंह चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, तो भोपाल का उनका जो दौरा है वहां से जरूर राजगढ़ का किसी न किसी रूप में एक मैसेज यहां से जरूर मिलेगा। हरदा से खंडवा सीट को साधने की कोशिश होगी, इंदौर भी ज्यादा दूर नहीं है वहां से, मालवा में एक उसका प्रभाव पड़ेगा। और प्रधानमंत्री इस समय बड़े एक अलग रिलैक्स और एक बहुत अलग मूड में नजर आ रहे हैं, बहुत प्रसन्नचित अंदाज में वो लोगों से मिलते हैं। आपको याद होगा कि उन्होंने किस तरह से इसके पहले जो उनकी सभा मध्य प्रदेश में थी, मध्य प्रदेश के दमोह में, तो उन्होंने किस तरह एक बच्चे से कहा था कि भाई तुम थक जाओगे, बार बार मेरी तस्वीर मत करो और तुम अपना एड्रेस उस पर लिख दो। फिर उनकी माता जी की तस्वीर एक व्यक्ति जो लहरा रहा था, तो प्रधानमंत्री का एक अलग अंदाज भी हम देख रहे हैं। ऐसा नहीं है पहले भी नहीं था ये अंदाज, लेकिन अभी वो ज्यादा कनेक्ट, और ज्यादा कनेक्ट पैदा कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के दिल में है मोदी, उनका ये दौरा भारतीय जनता पार्टी की आकांक्षाओं को पूरा करने की तरफ बिल्कुल बढ़ सकता है। जी सर, लेकिन अगर हम वोटों के लिहाज से समझने की कोशिश करें, या दलित वर्ग के हिसाब से समझने की कोशिश करें, क्योंकि हरदा में यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं, अगर बात की जाए विधानसभा सीटों के हिसाब से, तो 2 से 3 सीटें करीब करीब कांग्रेस के खाते में हैं यहाँ से विधानसभा चुनाव की। आगे बढ़ते हुए बात अगर अगली सीट की हम करें बुंदेलखंड की, तो यहाँ पर बीएसपी का भी एक वोट बैंक नजर आता है। बुंदेलखंड का साथ जरूर विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिला, लेकिन बीएसपी के भी वोट बैंक में सेंध लगाने का प्रयास क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन के जरिए करेंगे? इधर हरदा को भी साधने का प्रयास किया जाएगा, क्या बड़ी बातें हो सकती है सर मंच से? देखिए, प्रधानमंत्री जिस तरह से समसामयिक संदर्भों पर जवाब दे रहे हैं, जो भी मसले उठ रहे हैं, जैसे अभी उन्होंने शाही जादूगर कहा राहुल गांधी को, तो प्रधानमंत्री एक अलग अंदाज में जो भी विषय समसामयिकों में उठ रहे हैं उनका वो जवाब दे रहे हैं, और जो भी बातें विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री को लेकर, बीजेपी को लेकर हैं, उनका वो क्रमवार जवाब देते हैं। और ये ठीक बात है कि जहां कहीं भी प्राइम मिनिस्टर का दौरा तय किया जाता है, तो वहां कास्ट इक्वेशन भी देखी जाती है, हाँ ये भी देखा जाता है कि पार्टी की स्टैंडिंग क्या है, और ये भी समझा जाता है कि यहां आने से आसपास की लोकसभा सीटों पर भी उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो इन तमाम चीजों का गहरा आकलन किया जा चुका है। आपने ठीक कहा कि अगर हम बात करें सागर की, तो एक वहां
दलित आबादी अधिक संख्या में है और जिस तरह से दलित समाज के प्रणेता जो रहे हैं उनके मंदिर की तैयारी है, तो वो भी एक प्रधानमंत्री और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का इनिशिएटिव था, द्रविदास की अगर हम बात करें तो कुछ इस इन संदर्भों के साथ ही प्रधानमंत्री का मध्य प्रदेश का ये दौरा आगे बढ़ेगा गया। धन्यवाद आपका सर विश्लेषण करने के लिए इस बड़ी खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि एक बार फिर से मध्य प्रदेश आने वाले हैं और एक ही दिन में 3 अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में पहुंचेंगे। इस एक लोकसभा सीट के जरिए आसपास की सीटों को भी साधने का प्रयास किया जाएगा, तो बहुत महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर से MP का ये दौरा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं गुना की। यहां से बीजेपी प्रत्याशी